हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसे कि अभी 8 बजने वाले हैं और आज ये ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए। सैटरडे को वैसे यूजली जाते नहीं हैं, बट आज काम था ही नहीं तो ये गए हैं। तो कल की तो हमारी संडे की मूवी बुकड है, तुम बार्ड एक मूवी है जो बहुत पहले आई थी। तो मैंने ना एक बात देखी है, जो मूवीज़ वाले ना, मतलब जो आजकल पुरानी मूवीज़ लगाई हुई, वी जारा, कभी खुशी कभी गम, हम तुम लगाई हुई थी पीछे, और जब भी मैं, ये सारी पुरानी मूवीज़ ना रहना है तुम्हारे दिल में, इन्होंने फिर से लगा दी है। तो तुम बार भी ना बहुत टाइम पहले मैंने देखी थी, तो अब उन्होंने फिर से लगा दी। तो मैंने एक काम करा, मूवी बुक करी कि कल हम अच्छी सी मूवी देख कर आएंगे, और अभी मैं इनके पास जा रही हूँ, कुछ खाएंगे थोड़ा सा और बातें बातें करके आ जाएंगे बस। और बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि हमारी मैरिज लव है, अरेंज है, या लव स्टोरी कैसे रही, क्या है। तो अभी मैं इनसे बात करती हूँ और हम डिस्कस करते हैं। आज भी गाइज आपके पास इस ब्लॉग में भी आपको जो जो क्वेश्चन है आप अपने पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जो पार्ट आएगा ना वो उसके बाद कभी नहीं आएगा। एक ही ब्लॉग में मैं चाहती हूँ आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे, तो इसके नीचे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं जो जो भी आपके सवाल है हम दोनों को लेकर। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तो बस ये अभी आए, इनसे मिलती हूँ मैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कल कल कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो आपके जीजू आ गए गाइस। सारे बोल रहे निखिल जीजू बहुत स्मार्ट है, आपसे भी अच्छे सुंदर है। सही है, ऐसी गलत फहमी क्यों हो रही है? स्मार्ट ही कहा जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है इनको। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ना बोल रहे थे कि गोलू और पायल दीदी का ओवर हो गया था। अब बताओ मेरे हिसाब से, मतलब वो हैवी पहनते हैं, उनको आदत है, और ऊपर से वो मैरिड भी तो है ना यार दोनों। अब एक मैरिड का हैवी ज्वेलरी, हैवी सब कुछ अच्छा लगता है। अब मैं अनमैरिड, मैं इतना हैवी पहनती हूँ बताओ? कभी मेरे को तो इयररिंग्स पहनने की बात, देखो अभी मेरे को इयररिंग्स पहनने तक की आदत नहीं है यार, वो अपनी जगह है मतलब। हाँ, और ऊपर से एक मैरिड का होना और एक अनमैरिड लड़की का, मेरे को लगता है मेरी एंगेजमेंट के हिसाब से मेरा आउटफिट सही था, है ना ज्यादा हैवी था। बहुत बढ़िया था यार, एक नंबर परफेक्ट, समझे? हां तो वही परफेक्ट। ठीक है, तो इनकी भी तारीफ कर देंगे आप? कर दे क्या दीजिए थोड़ी सी। इनका भी अच्छा लगा, आपका भी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा था। बोल चाचू ने बनाया था बढ़िया। हां मेरे चाचू ने बनाया था इनका, मतलब चाचू ने बोला कि आपकी शादी का है ना, वो भी वो कह रहे हैं अच्छा सा कुछ बता देना आइडिया वगैरह जो भी। मैं तो कह रही हूं हल्दी का सिलवाएंगे, प्यारा सा सेम कपड़े का सारे सिलवाएंगे, हल्दी मेहंदी और शादी और भी एक्स्ट्रा सिलवा लेंगे। क्या करोगे? ऐसे दो तीन तो अच्छा यार। अब मेरे को एक और बात बताओ कि कल सारे इंतजार कर रहे हैं लव स्टोरी ब्लॉग का, तो उसमें आप क्या करते हो और आपके फैमिली में कौन कौन है और शादी, और पता है एक बंदा लिख रहा है ये भी बता दो शादी का तो हनीमून कहाँ जाएंगे। वो तो अभी सोचना पड़ेगा, पहले गाइस डेट डिसाइड होगी उसके बाद हम सोचेंगे हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मैंने इनको ये बोला है जब शादी होगी ना, जैसे कई लोग शादी के एग्जैक्ट बाद चले जाते हैं, कोई बाद में जाते हैं, तो मैंने इनको बोला कि हम एग्जैक्ट बाद में जाएंगे, मतलब ताकि इनको ऑफिस का भी बाद में ऑफ ना हो। अभी ये सारे ऑफ आप एक बार ही ले लोगे ना, जैसे हमारी शादी लगा लो अगर 6 को है तो हम 8 को निकल जाएंगे, ताकि मेरी मेहंदी जो है वो मेरी मेहंदी रहे। और मेहंदी में जो मतलब एक हनीमून की जो फील आती है ना, मेहंदी वाला होती है ना, तो और यार बढ़िया आती है, सब सही लगता है, मतलब बढ़िया लगता है, फील भी आती है पूरी। यार लोग ना आजकल जैसे पिंक से नहीं पहन रहे, पिंक और व्हाइट वैसे नहीं चाहिए ना, पेस्टल में नहीं जाना ना, मैरून और गोल्डन ही अच्छा है ना। तो गाइस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, क्या है क्या नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन ये कल हम जा रहे हैं मूवी के बाद ही आएंगे मेरे घर, हम दोनों बैठ के वीडियो शूट करेंगे। अभी हम कुछ खाते हैं तो फिर आपको मिलते हैं। सो हम आए हैं बाली नगर नहीं, ये उस साइड का बाली नगर पड़ता है, और ये क्या पड़ता है? ये बाली नगर ही पड़ता है। हम आए करी केचर, दिख नहीं रहा, ये मुझे सिखा रहे गाइस, पर वापस ऊपर कर दो, काले हो गए बस। तो हम आए हैं करी केचर। वैसे हम जाते हैं बाली नगर, लेकिन बाली नगर बहुत ट्रैफिक होता है इस समय, तो इस बाली नगर वाली दूसरी रोड यही पड़ती है। तो गाइस अगर आप वेस्ट दिल्ली में हो
और अगर आपको भी कुछ टेस्टी खाना है तो आप आ सकते हो करी कचर। अच्छा है, इसका मेन्यू भी बहुत बड़ा है। बताओ वेज में नॉन वेज में? वेज 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 में चाप होगी, लाहौरी चाप होगी, मलाई चाप होगी, पनीर टिक्का होगा, मशरूम टिक्का होगा। सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट लाहौरी चाप होगी। लाहौरी चाप ठीक है, काटो करो। वीडियो है। सो गाइस, हमने मंगवाया था गार्लिक टिक्का, कैसा लगा आपको? बढ़िया, एक नंबर है ना, एक नंबर। हमने इसका पहले भी खाया हुआ है तो गाइस आप भी ट्राई करना। अब हम जा रहे हैं घर, मैं आपको मिलती हूँ घर जाके। बाय कर दो सबको, बोलो कल मिलते हैं लव स्टोरी ब्लॉग के साथ। गुड नाइट। पिछली इस पे राखी पे मैं और काकू ऐसे इतने हेल्दी थे ना, कितने मतलब इतने हेल्दी थे, इतने हेल्दी दीदी को हम तो ऐसे का साइज कितना ज्यादा, और ये भी बहुत हेल्दी था। मेरे को उस टाइम आता था एक्सेल, अब मेरे को आता है स्मॉल या मीडियम। 5-6 महीने पहले भी था, 5-6 महीने भी पहले था, लेकिन ऐसे लग रहा है हम दोनों को ना साथ में किसी ने ऐसे पिंच कर दिया है और बिल्कुल हमारी हवा निकल चुकी है। अभी हम दोनों एक दूसरे की वो देख रहे थे, हाइट भी सेम हो गई है। हाँ, अब हमारी हाइट मतलब बोलते हैं बड़े भाई, एक टाइम पे आके ना एक चेहरी तो मेरे से पहले ऊपर जा चुका था, कन्नू मेरे से ऊपर पहले ही जा चुका था, सार्थक मतलब सारे भाई मेरे से ऊपर जा चुके थे, ये बचा था। अब ये भी और थोड़ा टाइम, अभी तो तू छोटा है ना बाबू, क्या ये तेरी कितनी एज है? बारह होगी अभी, 11 नहीं अभी मार्च में 12 हुआ था ना तू, तो 13 का होगा है ना, मेरे को लगा था 11 ही मतलब 12 का होगा, 13 का अभी अगले साल। तो जब ना 13 का हो जाता है ना तो थोड़ी और बढ़ती है चीज, मतलब जैसे हाइट हो गए, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो मतलब तब और चीजें बढ़ती है, जैसे हाइट बढ़ती है, तेरी दाढ़ी बढ़ी आई तब तू और बड़ा लगेगा, थोड़ा छोटा छोटा। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, हम ऐसे से हेल्दी हेल्दी थे, अब थोड़ा भाई थोड़ा सा हेल्दी हो जाओ। पूछो आ जाओ गुगलियों। सो आज निक्की चाची बना रही है आलू उबले हुए। यार अच्छा, आपने काट काट के बनाओगे या ऐसे पीस मतलब मैश कर दोगे? मैश करके, वैसे करके। चलो सही है, वैसे करके बनेंगे। अभी पीछे आपने आलू और वो भी बनाए थे ना पूड़ी। चलो बनाओ, देखती हूं क्या बनाती हो। कुकु परी, ओ मेरी कुकु परी, जहाँ चीना वहाँ कुकु। ये देख, ये भी तेरी कर रही है, देख देखते से खेल रही है। सो गाइस, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने नवरात्रों मतलब श्राद्धों में शॉपिंग क्यों करी या मैं श्राद्धों में क्यों जा रही हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वो रेड वाला अच्छा नहीं लग रहा, पायल दीदी के साथ गोलू दीदी के साथ जाना। तो गाइस मैं सिर्फ देखने गई थी, मुझे भी रेड अपने ऊपर नहीं पसंद आता, तभी मैंने उसे टाइम हटा दिया। दूसरा वाला मुझे पसंद आया, उसकी मुझे कढ़ाई बहुत पसंद आई थी, तो मैंने उसको रेड और गोल्डन में भैया से पूछ ली थी अगर कस्टमाइज होगा तो। उन्होंने मुझे कहा था 2-3 दिन बाद आना, बहुत सारे न्यू लहंगे अपडेट होंगे, क्योंकि उन्होंने हमें न्यू लहंगे लुधियाना से जो आ रहे हैं वो दिखाए थे। मम्मी वो कैसे थे जो भैया ने दिखाए थे? कितने सुंदर थे, मगर हमने अभी कोई एक बात शराबों में गए, डिसाइड शॉपिंग नहीं करी, हम हमारे में नहीं करते। मैं करूंगी श्राद्धों के बाद ही, लेकिन गाइस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो मैं जब वहां गई ना तो वहां पे फरवरी तक की बुकिंग हुई पड़ी थी, फरवरी मार्च जनवरी, और गाइस मेरी शादी को ज्यादा टाइम नहीं बचा, 2-3 महीने ही बचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि फटाफट मेरा बुक हो जाए ताकि आगे की चीजें हो जाए। सबसे बड़ी बात है बैंकेट हॉल बुक हो जाए, ब्राइडल हम बैंक, मम्मी और बैंकेट हॉल। क्या है काकू, क्या है? इसको सिर्फ खाने से मतलब है, कह रहा बहन जा रही है जाती रहे, डोली जा रही है जाए, कोई फर्क नहीं, मैं सिर्फ खाऊंगा, मगर खाना जा रहा है। सुबह 6 बजे तक मैं खाता रहूंगा, तो जाएगा 6 बजे तक मेरी शादी। हाँ जाग लेगा, ये तो गोलू की शादी में जागा था, धक्के मार के जाऊंगा आपको। नहीं, गोलू की शादी में भी जाग रहा था। भाई प्यार करते हैं, भोंकती है, देख देख मेरा भाई, भाई देख इतने चढ़ जाते हैं ना, जैसे ये देखो गाइस अब शानदार है मेरा भाई, कोकोनट चढ़ती 1-2 ए बोल जब शान मेरा इनको लगता है चीना मेरी। चल कोई बात नहीं काकू, कोई बात नहीं। चलो
कमाने को आज कल हम यही करते हैं, थोड़ा लड़ाई हो गई है, बाय, गुड नाइट।